मोहम्मद इमरान अलियास कालर इमरान, इन कालापत्थर में रहता। इसका काम है सबको कॉल करना, पॉलिटिशियंस को, पब्लिक जिसको बोले तो उसको कॉल करके सताने का काम है। इन एक कारपोरेटर को उसका एरिया के बारे में, डंपिंग यार्ड के बारे में, नाला बारे में, मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछ के उसके बाद उसका घर को आके धमकी दे के एक्सट्रैक्शन को डिमांड करा बोल के एक पिटीशन आ गए। वो पिटीशन से हम FIR इशू करा, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ये इमरान का ऊपर बहुत केसेस भी है। इससे पहले मैलारदंडपल्ली का एक थेफ्ट केस है। नामपल्ली में MLA पाशा कादरी साहब को सोशल मीडिया में ये करके फ़ोन पे उसको धमकी देने से वहाँ भी एक FIR हो गए। और हमारा पास भी 2 EPT केसेस हुआ। एक बार भांडौर भी करा, फिर उन एक कारपोरेटर से एक्सटर्शन को डिमांड करा तो उन दरखास्त दिया, तो उसमें अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और कल शाम में भी MLA मोजम खान साहब को भी उन क्वेश्चन करके उसको गाली दे के उसके बाद उन्होंने भी गाली दिया बोल के ये सुने आ रहा। MLA साहब दूसरे से पिटीशन भी गया, वो पिटीशन भी हम नॉन कैशन लेवल के उसको GD एंट्री लगा के कोर्ट परमिशन को लेटर लिखा। आज उसको अप्रेंशन करके अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। इन्वेस्टिगेशन में अप्रूव होते उसको कोर्ट में पेश करते। सर, एक अफवाह चल रही है कि इमरान मोजम खान साहब को कॉल किया बोल के अरेस्ट करें बोल के, अफवाह चल रही है? नहीं नहीं नहीं, मोजम खान को, मोजम खान MLA साहब को गाली दिए उसमें ये बोल के वो केसेस नहीं है, ये एक्सट्रैक्शन केस अलग है। वो नॉन कैशन बोला है, वो GD एंट्री करा के वो हम इन्वेस्टिगेशन परमिशन के वास्ते हम कोर्ट पे करा। ये एक्सटर्शन का ये उसमें और क्या सेक्शन लगता है, बाद में इंक्वायरी में अप्रूव होने के बाद उसमें रिमांड कर देते हैं।